प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। समागत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरशिशिखिपिच्छं कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमत् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुं अभिक्ष्णशः याशाम हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीन अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि
यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहाम् अहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी हिंदी समझते हैं? सभी कोई ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं? जो तेलुगु समझते हैं? कोई नहीं है? सब बोलो कोई तेलुगु समझते नहीं, सब हिंदी समझते हैं यहाँ पर। आज पूज्यपाद मुनि महाराज जी का और मेरा यहाँ पर दोपहर को आगमन हुआ। यहाँ पर बहुत दिनों से भक्त लोग बोल रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो अच्छा है, यहाँ आएंगे तो अच्छा है, लेकिन आया तो लास्ट पिछले 3 साल पहले आया था मेरे ख्याल से। 3 साल के बाद जो है, बीच में 2 साल कोरोना हो गया, फिर उसके बाद मायापुर में हमारे गुरु महाराज जी का समाधि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसकी वजह से वो उस कार्य में व्यस्तता के कारण आना नहीं हो पाया। तो अभी इस बार जो वार्षिकोत्सव हुआ था दिसंबर में हुआ था, तो उस समय भी भक्त लोगों ने बुलाया, लेकिन उस समय भी आना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय एकदम कंस्ट्रक्शन का काम एकदम पीक में चल रहा था। तो फाइनली अभी थोड़ा सा कोरोना भी ख़त्म हुआ, थोड़ा सा काम भी थोड़ा सा, मतलब किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे करके आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर हैदराबाद के भक्तों को दोबारा हैदराबाद में मिलने के लिए। प्रभु जी तो आए इस बार परिक्रमा में, और भी कुछ लोग भक्त आए, प्रभु जी भी कभी कभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के आप लोगों का यहाँ पर दर्शन करना बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पूज्यपाद जितेंद्री महाराज भी अभी प्रचार में हैं, तो उन्होंने बोला, ए परमाद्वैती महाराज तुम क्यों नहीं जा रहे हो हैदराबाद? बोले महाराज जाएंगे, जाओ वहाँ पर। चलो ठीक है, तो अभी भक्तों का आदेश है, वैष्णवों की इच्छा है, तो फिर वैष्णवों की इच्छा के अनुसार, भक्तों के आदेशों के अनुसार चलने से हमारा यथार्थ मंगल है, वास्तव मंगल उसी में है। तो आप लोग हैदराबाद में रह रहे हैं, इस मठ में आते हैं, हमारे गुरु महाराज जी से कई बार श्रवण किया था, जिस स्थान में हम सब लोग अभी उपस्थित हैं उस स्थान के बारे में गुरु जी बोलते थे, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। आप लोग ये नहीं समझना कि ये जो है श्री चैतन्य गौड़ी मठ हैदराबाद का कोई हिस्सा है। आप लोग ये नहीं समझना कि ये उर्दू गली है ना, इस जगह का नाम क्या है, देवान देवड़ी, अब पहले उर्दू गली था। हाँ, ये नहीं समझना कि ये कोई देवान देवड़ी हैदराबाद का स्थान है। ये स्थान है अप्राकृत स्थान। अप्राकृत समझते हैं, जो प्राकृत के अतीत है, इस जड़ जगत के अतीत है, उसको बोलते हैं अप्राकृत, जो इस जड़ जगत का हिस्सा नहीं है। क्यों जड़ जगत का हिस्सा नहीं है? यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोलते हैं नारद को कि जहां पर मेरे भक्त लोग मेरे गुणगान करते हैं, मतलब जहां पर मेरा कीर्तन, मेरा गुणगान और आरती, पूजा, हरिकथा इत्यादि जहां पर चलते रहते हैं, वो स्थान तत्र तिष्ठामि, वहां पर मैं वास करता हूं। तो जहां पर भगवान वास करते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? हाँ जी प्रभु जी, धाम बोलते हैं। जहां पर भगवान का वास है उस स्थान का, वो है धाम। तो श्री चैतन्य गौड़ी मठ, गुरु जी बोलते थे श्री चैतन्य गौड़ी मठ
कोई साधारण जगत का स्थान नहीं है, ये है धाम। जिस धाम में भगवान नित्य लीला कर रहे हैं, हम लोगों को दर्शन नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान नित्य यहाँ पर लीला कर रहे हैं। इस स्थान में राधा विनोद जी हैं, साक्षात हैं। हम लोगों को लगता है कोई विग्रह है, हमसे बात नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, हमारा मन का बात तो सुनते नहीं है, हम बोलते हैं जैसा संसार के लोग हैं ना, किसी को हम अपना दुख बोलते हैं तो उसका चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन देख के लगता है उसने सुना है, उसने कुछ समझा है मेरा तकलीफ क्या है, और अपना सुख की बात बताया ना तो वो सुन करके वो खुश होता है, अरे अच्छा हुआ यार, उसका फेस का एक्सप्रेशन से, उसका बॉडी लैंग्वेज से, उसका कार्य से लगता है वो मेरा बात सुना है, मेरे सुख से उसको भी सुख हुआ है। लेकिन भगवान के विग्रह के सामने खड़े हैं, भगवान जी को हमारा दुख बोल रहे हैं कि हमारा घर में ये तकलीफ़ है, हमारा घर में वो तकलीफ़ है, ये चला गया, वो चला गया, या तो बिजनेस ख़त्म हो गया, कोरोना की वजह से ये हो गया, बहुत कुछ हमने ठाकुर जी के सामने खड़े रह करके हमने विनती किया। अब भगवान सुने हैं कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा। तो क्या भगवान सुन रहे हैं या नहीं? भगवान वास्तविकता में दर्शन देते हैं अपने भक्तों को नित्य। हम दैनंदिन सुबह जिन लोगों का हरिनाम और दीक्षा इत्यादि हुआ, सब लोग सुबह एक ऋग्वेद का मंत्र पाठ करते हैं, क्या? तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य दिविव चक्षुरातम, पढ़ते हैं ना सब लोग। इसका अर्थ क्या है? तद विष्णु, विष्णु क्या है? विष्णु है तत्वस्तु। तत्वस्तु मतलब जो प्राकृत नहीं है, जो जागतिक नहीं है, जो संसार का नहीं है, उसको बोलते हैं तत्वस्तु। इस जगत का कोई वस्तु है उसको बोलते हैं इदम, यह, और हमसे जो दूर है उसको क्या बोलते हैं? वह, वह वस्तु जो दूर है। इसी प्रकार तत् मतलब जो अप्राकृत जगत, मतलब इस जगत के बाहर है, वो ओम तत् सत्। तत् मतलब सत्, तत् वस्तु जो भगवत वस्तु सत्, सत् मतलब सत्य, सनातन, हमेशा। तो तत् विष्णु परमं पदम, विष्णु कौन है? विष्णु है तत्वस्तु। तत्वस्तु मतलब अप्राकृत वस्तु, और परमं पदम उनके चरण कैसे हैं, या यूं भी कह सकते हैं उनका पद, उनका स्थान क्या है? परमं, परम मतलब श्रेष्ठ, परमं मतलब जिसके ऊपर और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं परम। तद विष्णु परमं पदम, वो विष्णु का चरण है, वह विष्णु का स्थान है परम। तो कौन जानता है? बोलते हैं सदा पश्यन्ति सूर्य। सूर्य मतलब ऋषि, मुनि, देवता, भक्त, ये सब आते हैं सूरीगण। सूरी मतलब वास्तविकता में देवता लोग होते हैं, लेकिन यहां पर सूरी, यहां पर वास्तविकता अर्थ है भक्त। तत् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। कब कब देखते हैं? सुबह देखते हैं, दोपहर को देखते हैं, शाम को देखते हैं? नहीं, सदा पश्यन्ति, हमेशा देखते हैं। कौन? सूरीगण, भक्तगण, सदा पश्यन्ति सूर्या। तो देखते कैसे हैं? दिविवा चक्षुर, कैसे देखते हैं? दिव्य चक्षुओं के द्वारा, दिव्य नेत्रों के द्वारा। भगवान का दर्शन करना है तो इस जड़ जगत के आंखों के द्वारा संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? इस जड़ जगत का प्रत्येक वस्तु सीमित है,
भगवान ने हमको आँख दिया देखने के लिए, वो आँखों से कितना दूर तक देख सकते हैं पहले दूर की बात नहीं करते हैं, हमारे आँख क्या देख पाते हैं बताओ। सारे लाइट मैंने बंद कर दिया, पूरा अंधेरा है, अंधेरा में कौन देख पाएगा। आँख है एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया चल रहा है, चश्मा भी नहीं लगा है, लेकिन लाइट नहीं है, अंधेरा है, कुछ देख पाएंगे क्यों? आँख तो है, दिखना चाहिए, बोलते हैं ना, दिखता नहीं तो अंधा है क्या पूछते हैं ना, किसी को दिखता नहीं है तो अंधा है क्या पूछते हैं। तो अंधेरा है तो अंधा है क्या? अंधा तो नहीं, आँख है, क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि इन आँखों के द्वारा देखने के लिए भी कोई साधन की आवश्यकता है, वो साधन है लाइट। वो लाइट दिया किसने? किसने दिया लाइट? भगवान ने दिया। आप बोल सकते हैं ये तो किसने इन्वेंट किया भाई लाइट? चार, ये तो किसी ने इन्वेंट किया, नाम अभी याद नहीं आ रहा, जो थॉमस अल्वा एडिसन, एडिसन ने किया, उससे पहले किसी ने किया था, कोई तो बेल ऐसा कुछ नाम है उसका, चलो जो भी है एडिसन का ही नाम लेते हैं, उसने इन्वेंट किया जिसकी वजह से हम देख रहे हैं। लेकिन जो ये बत्ती का आविष्कार हुआ, ये आविष्कार भी जो भगवान ने जो वस्तु दिया है उसको लेकर के मरम्मत करके ही हुआ। ऐसा थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना लेबोरेटरी में ऐसा कुछ नहीं बना दिया वस्तु जिसके द्वारा ये लाइट बना हो। खैर, विषय को बहुत ज़्यादा खींचते नहीं हुए मैं ये बोलना चाह रहा था कि लाइट की आवश्यकता है, मतलब एक माध्यम की आवश्यकता है कुछ देखने के लिए। चलो लाइट भी है, सफिशियंट लाइट है, लेकिन जो मेरे आँख से बहुत दूर है, दूरी नहीं बात की तो फिर इस दीवार के पीछे है, उस दीवार के पीछे क्या है मेरे को दिख रहा है या किसी को दिख रहा है? आप लोगों को इस दीवार के पीछे क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? आँख होने से, लाइट होने से हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए एक दूरबीन या तो कुछ यंत्र चाहिए, दीवार के पीछे से कुछ ऐसे एक्सरे मशीन होता है ना, तो हमारे अंदर क्या है वो बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन एक्सरे मशीन अंदर से स्कैन कर देता है तुम्हारा ये अंदर है। उसी प्रकार कोई एक यंत्र है उसके द्वारा हम उस पार देख सकते हैं, लेकिन उसका भी तो एक सीमा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आँख होने मात्र से ही कुछ चीज देख लेंगे वो ठीक नहीं है बात। जगत का वस्तु ही नहीं देख पाते हैं, जो जगत के बाहर के वस्तु को छोड़ दो, जगत के वस्तु को ही नहीं देख पाते हैं। और मैंने बहुत नजदीक रखा आंखों के, तब भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इन आंखों का एक सीमा है। इस डिस्टेंस से लेकर के उस डिस्टेंस के बीच में जितना है उतना मैं देख पाऊंगा। उसी प्रकार कानों का भी, कानों से भी सब कुछ नहीं सुना जा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा या तो पढ़ा होगा या तो देखा होगा, कुछ साल पहले, मेरे ख्याल 15 साल ऐसा कुछ हो गए, सुनामी जब आया था, 15-16 साल तो हो गए शायद, जब सुनामी आया था उस समय जो समुद्र से जिस प्रकार का एक आवाज आ रही थी, कोई मनुष्य को नहीं पता चला। वहां पर नजदीक का जो एक गौशाला है, पता चला, मतलब बाद में उन लोगों को पता चला, गौशाला में सारे गाय अस्थिर हो रहे हैं, सारे गाय अस्थिर हो रहे हैं, समझ में नहीं आया क्यों अस्थिर हो रहे हैं, लेकिन आदमी किसी को नहीं समझ आया क्या है, क्योंकि एक अलग प्रकार का एक साउंड है, जो एक फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी का साउंड से अगर कम है या ज्यादा है दोनों ही आदमी के कानों में पहुंचता नहीं है। जो कुत्ता सुन सकता है या अन्य कोई प्राणी सुन सकता है, वो आदमी नहीं सुन सकता है, क्योंकि रेंज अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे इंद्रियों का अपने अपना सीमा है, उस सीमा के बाहर कुछ भी इंद्रिय काम नहीं करते हैं। तो हम बोल रहे हैं तद विष्णु,
विष्णु कौन वस्तु है? परात्पर विष्णु, परात्पर परब्रह्म है, उनका स्थान है परम दिव्य स्थान। उस दिव्य मूर्ति भगवान का दर्शन करने के लिए किसकी आवश्यकता है? दिवीवा चक्षुरातम, दिव्य चक्षुओं के द्वारा ही संभव है। मैं जिस पॉइंट को जो है उठाया था वो ये है कि हम भगवान को सामने यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा दर्शन वास्तविकता में नहीं हो रहा है। भगवान को हम अपने मन की बात सुना रहे हैं, लेकिन भगवान वास्तविकता में हमारे मन की बात सुन रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं समझ आ रहा है। क्यों? माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल भगवान के बीच में एक संवाद, वार्तालाप हुआ, जो इस प्रसंग को थोड़ा सा और गहराई से हमको समझाता है। थोड़ा महाराज जी को बुला लेना। क्या है, माता देवहूति कपिल भगवान को पूछती है, मैं पूरा विस्तार में नहीं जाता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में महाराज आ जाएंगे और थोड़ा हमको और अच्छे से हमको बताएंगे। वो माता देवहूति पूछती है कि संसार में जो जगत के लोगों के साथ मेरा बहुत जल्दी मन लग जाता है, लेकिन भगवान के साथ मेरा मन इतना जल्दी लगता नहीं है। संसार के लोगों को मैं अपना दुख बोलती हूँ, अपना कष्ट सुख इत्यादि जो कुछ भी बोलती हूँ, तो उनके साथ आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से मुझे उनके साथ आसक्ति बढ़ता है। लेकिन भगवान हैं, मैं दैनंदिन भगवान का दर्शन करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन भगवान के प्रति इस प्रकार लगाव नहीं हो रहा है। ये माता देवहूति की समस्या नहीं, हम सब लोगों का समस्या ही है। वास्तविकता में देखा जाए तो हम सब लोगों की समस्या है। रोज आते हैं नियमित रूप से, सुबह दोपहर शाम आरती में देख बैठते हैं, आरती में दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चरणामृत लेते हैं, प्रसाद खाते हैं, भक्तों से वार्तालाप करते, सब कुछ होता है, लेकिन एंड रिजल्ट, संसार में जितना हमारा प्रवृत्ति है, आसक्ति है, इतनी आसक्ति जो है भगवान की ओर नहीं है। ये माता देवहूति का प्रश्न है जो हम सब लोगों के लिए है। तो माता देवहूति को उनका ही पुत्र कपिल भगवान बताते हैं कि हे माते, आपका हृदय में तो ऐसा भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके हृदय में संसार है उसके हृदय में मेरा प्राकट्य नहीं हो सकता है। जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार, जहां श्री कृष्ण है वहां पर माया का प्रवेश नहीं हो सकता है। कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार, कृष्ण है सूर्य के समान और माया है अंधकार तुल्य। जहां पर सूर्य की रोशनी है वहां पर अंधकार हो सकता है? या तो रोशनी है नहीं तो अंधकार है, ये रोशनी अंधकार दोनों है, ऐसा हो नहीं सकता। उसी प्रकार जहां पर श्री कृष्ण है वहां पर माया का कोई स्थान नहीं हो सकता है, और जहां पर माया है वहां श्री कृष्ण आएंगे क्यों? इसलिए माता देवहूति को बोलते हैं कपिल भगवान, हे माते, आप जो बोल रहे हो वो आप संसारी लोगों का मंगल के लिए आप उनके तरफ से प्रश्न किए हो। मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूं, इसका मतलब ही ये है आपका हृदय बहुत पवित्र है, क्योंकि मेरा प्राकट्य जो है ना, इस जगत का जो माँ बच्चे को संतान देती है वो क्रिया के द्वारा नहीं है, भगवान का प्राकट्य होता है हृदय में। भगवान का प्राकट्य शुद्ध अंतःकरण में होता है। अंतःकरण समझते हैं? अंतःकरण मतलब हृदय, शुद्ध हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। उस हृदय से गर्भ में प्रवेश करके आप श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद में पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा, वहां पर किस प्रकार माता का गर्भ में हृदय से प्रवेश करके सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रादुर्भूत हुए,
सत्यं विधातुं सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं। विशुद्ध सत्व तत्व है वसुदेव। जहां पर विशुद्ध सत्व तत्व देवकी, देवकी का अर्थ क्या है? देवताओं की। देवकी मतलब देवताओं की, मतलब भक्ति। जहां पर विशुद्ध सत्व तत्व में भक्ति का मिलन है वहां पर श्री कृष्ण का प्राकट्य है। श्री कृष्ण प्रादुर्भाव का एक विशेषता यह है, शुद्ध अंतःकरण में जब भक्ति का प्राकट्य होता है, शुद्ध मतलब विशुद्ध, जगत का कोई शुद्ध गुण भी नहीं, विशुद्ध, उसमें जब भक्ति का जब प्राकट्य होता है वहां पर श्री कृष्ण का प्राकट्य। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके सुने, क्योंकि संसार में वैसे भी बहुत कुछ हमारा दिमाग को भटकाने के लिए है। संसार में कोई हमारा दिमाग को भटकाने के लिए आइटम कम नहीं है। आजकल यूक्रेन रशिया का वार एक हो गया है ना, इतने सारे जो है हमारा हृदय को मन को इधर उधर भटका रहा है। तो जो हरि कथा में थोड़ा सा मनोयोग देकर के श्रवण करेंगे तो फिर जो वो लोग हमको शिक्षा दिए हैं वो हमको समझ में आएगा। अभी मैं 5 मिनट में संक्षिप्त में बोल देता हूँ। महाराज जी हमको बहुत सुंदर हरि कथा श्रवण कराएंगे। आइए जी, तो माता देवहूति बोलती है, भगवान कपिल भगवान माता देवहूति को बोलते हैं कि देखो मेरा प्राकट्य होता है शुद्ध अंतःकरण में ही, और मैं प्राकट्य हुआ, प्रकट हुआ इसका मतलब है आपके अंदर कोई जड़ कामना वासना कुछ भी नहीं है, केवल मात्र आपका प्रश्न जो है सभी का मंगल के लिए है। तब भगवान कपिल देव माता जी को बोलते हैं कि देखो अगर भगवान के पास हम अपना मन के बात कुछ बोलेंगे तो भगवान सुन रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं समझ में आएगा। हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान उसको वास्तविकता में स्वीकार किया नहीं किया ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वास्तविकता में जो व्यक्ति भगवान को दर्शन कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा नित्य कर रहा है, भगवान का प्राकट्य सब समय जो अनुभव कर रहा है, मतलब साधु भक्त वैष्णव, उनकी सेवा करो, उनके पास जाओ। जब तुम अपने मन के बात भक्तों के पास बोलोगे तो भक्त भी भगवान भी, वास्तविकता में भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं। हमको लगता है कि वहां पर हम कुछ नहीं सुन रहे हैं, लेकिन भक्तों के माध्यम से भगवान सब कुछ सुन रहे हैं। भक्तों के माध्यम से सुन रहे हैं, भक्तों के माध्यम से ही सब पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए वहां पर कपिल भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों के पास जाकर के जो मेरे दर्शन नित्य कर रहे हैं, जब तुम उनको तुम्हारे मन के बात बोलोगे, जब उनके साथ तुम आदान प्रदान करोगे, जब तुम उनके साथ प्रीति व्यवहार रखोगे, जो हमारे गोस्वामियों ने बता दिया 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं, वो जब उनके साथ व्यवहार करोगे तब धीरे धीरे भक्त लोग अपनी कृपा से भगवान का दर्शन तुमको कराएंगे। इसलिए भगवान को दर्शन करने का सबसे आसान और सहज तरीका है भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए जो मैंने जिस टॉपिक को मैंने शुरू किया था, गुरु महाराज जी बोलते थे ये स्थान जो है कोई साधारण स्थान नहीं है। हम लोग जो है देखते हैं ये हैदराबाद का एक हिस्सा है, लेकिन हैदराबाद का हिस्सा नहीं है, तो भगवान का धाम है। जो गुरु जी का शब्द है,
जहां जहां हमारा गुरुजी ने मंदिर स्थापन किया है वो है धाम, वहां पर भगवान वास करते हैं। यहां पर आने से, यहां पर कोई भी सेवा करने से, कुछ भी सेवा करने से वो सीधा भगवान तक पहुंच जाएगा। इसलिए हम जो हमारा गुरु महाराज जी को बहुत नज़दीकी से सेवा किया है और गुरु जी को बहुत अंतरंग भाव से प्रीति करते हैं और उसी प्रकार सेवा भी किया है, हमारे पूज्यपाद भक्ति विभूत मुनि महाराज जी, हम उनसे थोड़ी देर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भागवत कथा होती है, भागवत कथा होती है, रोज होती है कथा ओम अज्ञानतिमिरानाथस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। कृपया क्षमतामयापराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधव देव पदं भजनोरजित सज्जन संघपतिं पतितादिक कारुणिकैक गतिं गतिवंचित वंचकाचिन्त्यापदं। प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देवै प्रियायै केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी कितना
आधा घंटा बोल सकते हैं आधा घंटा अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे कि जो मठ है वो भगवान का धाम है। इस पृथ्वी का पार्ट नहीं है, क्योंकि परम आराध्यतम श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ ठाकुर जी को प्रकट किया है। यहाँ भगवान वास करते हैं। ये प्रसंग हमारे प्रभु जी बोल रहे थे महाराज जी, अभी प्रभु जी मन से मुख से निकलता है जल्दी और चढ़ा हुआ है ना पुराना। माता देवभूति भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, जब उन माता जी उनको बोलती हैं कि मेरा जो मन है वो किस प्रकार से शुद्ध हो, कैसे मैं इस माया के मोह से आसक्ति से बाहर निकल सकती हूँ, तो भगवान जो कपिल देव हैं उनको बोलते हैं कि माता ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके मन में ऐसी कोई कमी हो। आपने जो प्रश्न किया है ये तमाम जीवों के मंगल के लिए किया है, ये आपका प्रश्न नहीं है, क्योंकि जिनको अवलंबन करके मैं प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि जहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए आपका ये जो प्रश्न है ये जीवों के मंगल के लिए, कि जिनके हृदय में कलुषता भरी हुई है, कलमश भरा हुआ है, कालिक भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, जो माया में आसक्त जीव हैं, विषय में आसक्त जीव हैं, उनका मंगल किस प्रकार से हो सकता है वो आप बताइए। उन्होंने उपाय बताते हुए कहा, सताम प्रसंगात मम वीर्य संवितो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणात अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा अति भक्ति अनुक्रमिष्यति ही। कहते सतांग प्रसंगांग मम वीर्य संवितो, संतों के पास जाकर के मेरी वीर्यवती कथा सुनो, ताकतवर हरि कथा। श्रील गुरु महाराज जी जब संत शब्द की परिभाषा करते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वस्त्र पहनने वाला साधु है, केवल वस्त्र पहनने वाला, कि भगवान वस्त्र पहना और साधु बन गया, केवल वस्त्र से साधु नहीं होता। साधुता का संबंध मन से है। जिस व्यक्ति का मन जितना परसेंट सद्वस्तु भगवान में अटैच हो गया वो उतना परसेंट साधु है। वो बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। जिस व्यक्ति का मन जितना परसेंट भगवान में लग गया वो उतना परसेंट साधु। प्रयास कर रहे होते हैं ना, कोई 100% तो होता नहीं है, 100% तो गुरुजी जैसे होते हैं, भगवान के पार्षद हैं, या जिन्होंने ये ठान लिया है अपने मन में कि हमने अपना जीवन संपूर्णता है गुरु वैष्णव भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, अपनी इच्छाओं को अपनी कामनाओं को गुरु वैष्णव भगवान में मिलाने का प्रयास आरम्भ कर चुके हैं और हृदय में ऐसा संकल्प ले लिया है, वो साधु बनने के लिए अग्रसर है। तो ऐसे जो संत हैं श्री गुरु महाराज जी की परिभाषा में शब्दों में, जिनका 24 से 24 घंटा भगवान के लिए है, वो संत संपूर्णतः संत। अगर आपसे कोई पूछे आपको कभी ऐसा कोई संत मिला जिसके 24 के 24 घंटे भगवान के लिए हों, कभी दर्शन किए, कभी मिले, कभी बातचीत की, जो 24 के 24 घंटे भगवान के लिए ही सोचता रहता हो और कुछ का काम ही ना हो, हमने तो दर्शन किए,
हमने बातचीत भी की है, उनके कृपा वचन भी सुने हैं। शास्त्रों में हम सुनते हैं कि संत कैसा होता है, संतों के लक्षण कैसे होते हैं, लेकिन सुनने के बाद मन में क्या आता है, यार आजकल तो ऐसा मिलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ये किताबों में ही रह गया है। लेकिन हमने दर्शन किए हैं, वो है हमारे परम आराध्यतम श्रील गुरु महाराज जी, परमहंस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। होता क्या है, शिष्य अपने गुरु जी की महिमा गाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। जो केवल नाम के संत हैं, जिन्होंने समाज को धोखा दिया है, ऐसा बड़े बड़े संत कहलाने वाले जो आजकल भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में बैठे हुए हैं, समझ गए होंगे सब, जन्म कहाँ हुआ था भगवान का, वहां पे जो अपने दिन बिता रहे हैं, उनके शिष्य लोग उनकी महिमा गाते हैं। भगवान कृष्ण जी का जन्म स्थान है जेल, तो जो आजकल वहां ठहरे हुए हैं, तो चेला महिमा गाएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं। महिमा तब बढ़ती है महाराज कि संत लोग उनकी महिमा गाएं, उनके बराबर के संत लोग उनकी महिमा गाएं, तब लगता है कि संत किस क्लास के। और बराबर के संत भी छोड़ दो, जिनके गुरु के समान संत आशीर्वाद वचनों में उनकी महिमा का गान करें, उन संत का कोई मुकाबला नहीं। गौड़ीय वैष्णव समाज में जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रूपा जी, जो भगवान के पार्षद हैं, साक्षात भगवान के पार्षद हैं, उनके शिष्य लोग, उनके जो जन हैं निजी जन श्रील सरस्वती ठाकुर प्रूपा जी के, वो अपने जिस शिष्य के बारे में आशीर्वाद वचनों में महिमा का गान करें, वो शिष्य कैसा होगा। सदगुरु किसको बोलते हैं पता है, एक अच्छा शिष्य क्या होता है, गुरुजी बोलते हैं जो शासन स्वीकार करता है गुरुजी का, उसको शिष्य बोलते हैं। और किसी शिष्य ने ऐसा शासन स्वीकार किया हो कि अपने गुरु का हृदय आनंद से भर दिया हो, और गुरु कहे प्रसन्न होकर के, यार मेरे बहुत शिष्य हैं, अगर मेरे मन के मुताबिक कोई शिष्य है तो वो तीर्थ महाराज है, उसको बोलते हैं शिष्य। ऐसा हमारे परम गुरु जी ने कहा है, हमारे गुरु जी के गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई मेरे मन के मुताबिक शिष्य है, जो मेरे मन की गहराई में उतरा है, मेरे मन को प्रसन्न किया है, मेरे मन को संतुष्ट किया है, वो ये कोई बात नहीं। आप अपना मस्त रहो, उनको अपना मस्त रहना। तो कहते हैं ऐसा अगर कोई शिष्य है तो मेरा ये शिष्य है, उसको बोलते हैं शिष्य। और एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। और तो और, उन्होंने अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने गुरुवरों को ऐसा प्रसन्न किया है, ऐसा मर्जी आशीर्वाद वचन इतनी आसानी से नहीं निकलता है। एक पिता अपने बच्चे में कमी रहते हुए महिमा गा सकता है, लेकिन आपका पड़ोसी अगर अपने बच्चे को छोड़ के आपके बच्चे की महिमा गाए तो उसकी महिमा हजार गुना बढ़ जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मर्जी दूसरे मठों के आचार्य, श्रील सरस्वती पाद जी के शिष्य हैं, दूसरे मठों के आचार्य हैं, उनके अगले भी आचार्य बनने वाले हैं, उसके बावजूद अगर वो हमारे गुरु जी की महिमा गान कर रहे हैं, तो श्रील गुरु महाराज जी का क्या स्थान है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रूपा जी के समय में ऑडिटोरियल ग्रुप के हेड जो रहे हैं थोड़े समय, परम राधितम नितलीला प्रविष्टोम श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, वो हमारे गुरु जी के बारे में बोलते हैं, गुरुवर्ग हैं। पूरी जनरेशन का गैप है महाराज। जनरेशन गैप होने से क्या होता है, न्यू जनरेशन में हजारों कमियां नजर आती हैं, वो जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन हमारे समय में ऐसा होता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी जनरेशन के नाप तोल में भी पूरा सही उतर रहा है और उससे कहीं ज्यादा उतर रहा है, तो कैसा आचरण होगा उनका। जगत गुरु श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो तृतीय श्लोक लिखा है,
जिनके बारे में बोला जाता है ना बंगला में, एक मेरे को प्यारा भी याद नहीं है कि संत बनने की तो बहुत इच्छा थी, इस श्लोक को सुन के सब दुर्भाग गए हैं। वो है त्रिनादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुनाम अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा। मर जी ये क्वालिटीज होना इम्पॉसिबल है किसी के अंदर, कोई अपने प्रयास से लेगा इम्पॉसिबल है। जिला गुरु महाराज जी कहते थे ये बैकुंठ की गुण है, क्वालिटीज हैं, ये उनकी कृपा से आती है, भगवान की कृपा से। अपनी हिम्मत से आप आर्टिफिशियल नहीं ला सकते। हम आर्टिफिशियल जितना भी त्रिनादी पर होने का प्रयास करें, हाथ जोड़ते रहते हैं ना, अपनी दीनता दिखाते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी को बोलूँ, अगर मैं किसी को दीनता दिखाता हूँ तो उसके बदले में सामने से प्रशंसा सुनना चाहता हूँ, क्या महाराज जी आप में कितनी दीनता है, मेरा दीनता दिखाने का बिल मिल गया, मेरे इनकम मिल गई तो मेरे को वही चाहिए, मैं दीनता दिखा रहा हूँ, मेरे को प्रसन्नता चाहिए। सूरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे शुकर ग्रामी मौसम कौन कुटिल खल काम। कहते जैसे सूअर होता है ना, जगह जगह मुंह गंदगी मुंह मारता है, तो हमारी जो जगतेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, जगत की जो प्रतिष्ठा सूअर की विष्ठा कैसे मानी है, जैसे वो जगह जगह विष्ठा के लिए घूमता है, वैसे हमारा सुबह से लेके शाम तक, हमारा उठने सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, हमारी प्रत्येक क्रिया लोगों से प्रतिष्ठा सोने के लिए होती है। किसी घर चले गए, ध्यान से बैठ लो, क्या कहेंगे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो मोटो है ना, ऊपर जो हेडिंग होता है, लोग क्या कहेंगे। अच्छे से खाओ, अच्छे से पहने, अच्छा नहाओ, अच्छा सेंटर लगाओ। लोग हम जा रहे हैं कहीं, लोग क्या कहेंगे। कपड़े पहन रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। खाना खा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। ये टॉपिक बाद में छेड़ेंगे तो लंबा चला जाएगा, मैं वापिस अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो कहने का भावार्थ ये है, वो कहते हैं कि जो त्रिनादपि सुरुचेन श्लोक है, श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी उसके साक्षात विग्रह है। ये कौन कह रहा है, हम शिष्य तो नहीं कह रहे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं साधु को साधु ही पहचान सकता है, तो कौन पहचान रहा है, उनके गुरुवर्ग पहचान रहे हैं, कोई कमी हो सकती है। इतने तो आचार्य वर्तमान थे उस समय, 30 साल पहले की स्टेटमेंट है, सबके लिए बोल सकते थे, वो केवल गुरुजी के लिए क्यों बोला। वो कहते हैं कि त्रिनादपि सुनिचेन जो श्लोक है उसके साक्षात विग्रह स्वरूप है, उनकी भाषा में तीर्थ महाराज। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरुजी के नाम के साथ पहले पूज्यपाद लगाया। गुरुवर्ग अगर अपने शिष्य वर्ग के सामने पूज्यपाद लगाता है तो उस शिष्य की क्या स्थान होगा, आप सोच सकते हैं उनके हृदय में। अपनी सेवाओं के द्वारा अपने गुरुवर्ग को, गुरु के हृदय को इतना वशीभूत कर लिया उन्होंने, फिर प्रशंसा निकलती नहीं है, फिर वर्षा होती है। आशीर्वाद कभी कृपा करो कृपा करो, हमारे निष्कंच महाराज जी बोलते थे कृपा करो करने से कृपा नहीं होती है, कर और पा, ऐसा काम कर किसी का कि किसी का दिल हृदय से प्रसन्न हो जाए, फिर वो निकलती है कृपा, आती मांगनी नहीं पड़ती। बंदा जब सुबह श्रद्धा अपना संध्या करने बैठा हो और उसके हृदय में आए कि मेरा फलाना शिष्य कितना मतलब कितना प्रयास करता है मेरे को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, वो जब वो चिंतन शुरू करता है ना, वहाँ प्रभाव बहता है कृपा का, मांगना नहीं पड़ता है कि हमें कृपा दीजिए। वो तृतीय श्लोक के विग्रह स्वरूप है। और आगे क्या लिखते हैं, गोड़िया गगन में ऐसा कोई दूसरा भास्कर नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गौड़िया गगन में माने हरे कृष्ण जगत जो है, श्री चैतन्य महापुरुष जी ने गौड़िया जगत बनाया है, उस गगन में ऐसा कोई दूसरा भास्कर है नहीं, दूसरा कोई सूर्य नहीं है। और क्या बोलते हैं, भविष्य में होगा इसमें भी संदेह है। मर्जी आप पहला तो बोल सकते हैं लेकिन बात की तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनका हृदय इतना गदगद है, इतना उनके उनके बारे में कि वो इतना बोल गए
कि भविष्य में भी ऐसा कोई होगा संदेह है, पॉसिबल नहीं। सौभाग्यशाली हैं जिनको उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, वो सौभाग्यशाली। एक बार मैं अपने मुख से जो उनके अपने कानों से जो उनके मुखारविंद से सुना, वृंदावन में ब्रह्मंडल परिक्रमा चल रही थी, तो हमारे वो वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन के थे ना पहले, क्या नाम, परमादेवी महाराज जर्मन के जो थे, वो फर्स्ट टाइम वृंदावन मठ में आए। तब वो कुछ बना रहे थे, कुछ मिशन सा, तो उन्होंने वो इस्कॉन से बाहर आके सारे गौड़ी वैष्णवों को साथ लेके कुछ एक संघ बनाई है, ऐसा उनका प्रोग्राम था। तो उन्होंने सुना इस समय गौड़िया जो हमारे जगत हैं उसमें सबसे सीनियर हैं शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, तो वो हमारे गुरु जी के साथ रहते थे। तो जब वो वृंदावन में जो गेस्ट हाउस है ना, एक तरफ वो रहते थे, दूसरी तरफ गुरु महाराज जी, उन्हों तो मैं उस समय वही था, हम उनको लेके गए वहाँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे आपको हमने ऐसा संघ बना रहे हैं ताकि गौड़ी वैष्णव सारे साथ मिलकर काम करें, इसमें आपको हम प्रेजिडेंट बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला मेरा तो अभी उम्र इतना नहीं है, तब समय था जब वो जो अभी राम मंदिर बन रहा है उसकी आधारशिला तैयार हुई थी, आधारशिला तैयार हुई थी उसकी, मीठी भाषा में, अंदर की भाषा आप समझ लो। तो उस समय चल रहा था, तो कर्फ्यू लगा हुआ था, तो बैठे में थे हम। तो उन्होंने कहा कि इस समय अगर कोई योग्य है थोड़ी जगत में, तो उन्होंने हमारे गुरु जी का नाम लिया कि आप उनके पास जाओ। उनको हम उनके पास गुरु जी के पास ले गए। गुरु जी कहते हैं नहीं, अगर इस समय कोई सीनियर है और सबसे पूज्य है, सम्माननीय है, तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने आपका बात नहीं माना, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूँगा, वो मान जाएंगे। गुरु जी उनको साथ में लेके गए। और महाराज जी कैसे वैष्णव से मिला जाता है, कैसे वैष्णव का दर्शन होता है, ये कोई गुरु जी का मतलब, वो वैष्णव सिद्धांत विग्रह है साक्षात। जितने वैष्णव सिद्धांत आप पढ़ते हैं उनके आचरण को देख के आप समझ सकते हैं। वो गए हैं, अक्सर हम लोग जब संतों के दर्शन करते हैं ना, हमारा क्या स्टैंडर्ड रहता है, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो थोड़ा घबराए होते हैं, थोड़ा क्वेश्चनात्मक प्रश्न चिन्ह लगा होता है चारों तरफ, या कुछ होता है कि आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा ये बढ़ जाएगा, कुछ संकल्प विकल्प भावात्मक जो मना है उसको लेके जाते हैं। पहली बार मिलिए, हमारे से थोड़ा बातचीत हुआ, जैसे जैसे महाराज जी लोगों से बातचीत बढ़ता रहेगा, क्लोजनेस बढ़ती रहेगी, हमारा व्यवहार चेंज होता रहेगा। पहले गए थे बड़ा प्यार से प्रणाम किया था, वो लंबा मंत्र बोला था, फिर उठे थे, फिर जैसे जैसे नज़दीकें बढ़ते रहेंगे, गए प्रणाम और महाराज जी क्या हाल था, हमारा व्यवहार चेंज होता रहता है। लेकिन भाव उसको बोलते हैं जो स्थायी भाव रहता है, हमेशा एक ही भाव रहे, संतों के प्रति श्रद्धा विश्वास, और श्रद्धा विश्वास हमारी व्यवहारिक मुद्रा से प्रदर्शित होता है कि हम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। गुरु जी को देखा, वो जब शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को जब प्रणाम किया, उन्होंने जो पहली मुद्रा में प्रणाम करते हैं ना गुरुवर को, उसी मुद्रा में प्रणाम किया, चरणों में हाथ लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, श्री कमलों में कर कमलों में स्पर्श करके अपने हाथ लगाते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो मेरी इतनी प्रशंसा करते तो मैं उनके क्लोज हो गया, मैं सचमुच इतना बड़ा हूँ। तो जो वृतपुरी महाराज जी ने बोला ना कि तृतीय श्लोक के विग्रह हैं, वो साक्षात प्रदर्शित होता है। देख के ना वृतपुरी महाराज जी का हृदय गदगद हो गया, और बार बार उनके सर पे हार घुमा रहे हैं गुरु जी के। इसको बोलते हैं कृपा वर्षण, एक होता है करना, एक होता है मजबूरन हृदय से निकलना, वो खींचता है बंदा, कृष्ण आकर्षणी जैसा होता है ना सेवा, ऐसे कृष्ण को आकर्षित करती है, वैसे गुरुओं की कृपा को आकर्षित करती है। और उसके बाद वो बोलते हैं, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने, और भी वैष्णव लोग खड़े थे वहाँ, ऑल द गौड़िया सन्यासीज आर पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, बट भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज माई कोर ऑफ हर्ट। कहते जितने भी सन्यासी हैं गौड़ी जगत के,
सारे मेरे शरीर के अंग हैं, लेकिन भक्ति बल्लभ तीर्थ महाराज मेरा हृदय है हृदय। मर्जी कुछ स्टेटमेंट ऐसे ही दे देता है क्या? गुरुजी ने अपनी तमाम कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को गुरु सेवा यज्ञ में आहुति प्रदान की है महाराज, वैष्णव सेवा रूपी यज्ञ में आहुति प्रदान की है। उनकी अपनी इच्छा ही नहीं थी कोई। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञा तो दुच्यते। जिसने अपनी तमाम इच्छाओं को, कामनाओं को गुरु वैष्णव भगवान की इच्छाओं में निहित कर दिया है। हमने देखा महाराज जी, गुरु महाराज जी को जो मैंने नोट किया, आप गुरु महाराज जी को लेके आओ, किसी कमरे में रख दिया आपने, मान लीजिए यहां कार्तिक मास हुआ है, पूरा महीना गुरु जी उस कमरे से बाहर नहीं आएंगे कभी ये देखने के लिए कि मठ कैसा है, कि मठ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे गुरु जी ने इनको सेवा दी है, मेरे गुरु भाई हैं, इनका अधिकार है, मेरा बोलने का अधिकार नहीं है। एक बार गुरु जी की किसी ने प्रशंसा कर दी चंडीगढ़ मठ में, रामनवमी थी, कि महाराज जी पूरे वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, पूरा महाराज जी गुरु महाराज जी जो शब्दावली बोलते थे ना, वाणी बोलते थे, कहीं सुनोगे ही नहीं आप ऐसी बात, क्योंकि ऐसी नकल नहीं हो सकती। ऐसा जो 100% वैष्णव है उसके हृदय से बातें निकलती हैं, नोबडी कैन कॉपी। अभी कॉपी करेगा तो व्यवहार चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। तो गुरु महाराज जी उनके बारे में बोला कि ये इतने बड़े वैष्णव हैं, इतना इनकी क्वालिफिकेशन है, इतनी बड़ी संस्था के प्रेसिडेंट हैं, फिर 400 संस्थाएं वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन की हैं, तो ये उनके भी प्रेसिडेंट हैं। गुरु जी ने सुन लिया। बाद में जो गुरु जी ने जो शब्द बोले वो हमारे श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जो स्टैंप है ना, जो लगाई उन्होंने कि उत्तीर्णा देवी सुनिजन के विग्रह हैं, उसको मतलब सिद्ध करती। गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं कि देखो हमारे बारे में इतना बोला, हम ऐसा नहीं हैं। संसारिक जगत में जो इंस्टीट्यूशन देखे जाते हैं, जो संस्थाएं देखी जाती हैं, उनका प्रेसिडेंट होना और आध्यात्मिक संस्था का प्रेसिडेंट होने में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? वो सचमुच ही निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सबसे छोटा सेवक होता है प्रेसिडेंट। कहते हैं मेरे को गुरुजी ने किस लिए प्रेसिडेंट बनाया जानते हो? ये गुरुजी के शब्द हैं महाराज। किस लिए बनाया? गुरुजी ने देखा बाकी जितने संत हैं उनका मन थोड़ा थोड़ा खराब है, थोड़ा मतलब कलमश थोड़ी बहुत ही रह गई है, वो थोड़ा सेवा करेंगे तो उनका सिद्धि मिल जाएगा। इस सेवक का हृदय सबसे ज्यादा गंदा है। जब तक ये सारे मिशन के संतों की सेवा नहीं करेगा, इसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे को प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि जब तक ये सारे संतों की सेवा नहीं करेगा तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए मेरे को प्रेसिडेंट बनाया है, सारे वैष्णवों की सेवा करने को। महाराज जी आप देखो कहां से बोल रहे हैं, और पूरा जीवन उनके व्यवहार में यही प्रदर्शित होता रहा। तो जो उन्होंने बोला कि त्रिनादेवी तृतीय श्लोक के वो विग्रह हैं, वो साक्षात प्रकट होता है। फिर बोलते हैं कि मेरा हृदय है, हृदय स्वरूप है, वो प्रकट होता है। किस लिए? जिन्होंने अपने वैष्णवों की, गुरु की सेवा से उनका मन जीत लिया। तो ऐसे संतों के दर्शन हमने किए। फिर एक महाराज जी और परम पूज्यपाद भक्ति सार महाराज जी ने, परम पूज्य भक्तिस्वर भक्ति सार महाराज जी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के शिष्य हैं, उनकी शब्दावली सुनोगे तो हैरान रह जाओगे महाराज। देखो महाराज जी, श्लोक याद करके हम क्या कर रहे हैं? हमने सुना है, आगे बोल रहे हैं। हमें ऐसे गुरु मिले हैं इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। हम लोग प्रचारक नहीं है, वी आर ओनली मैसेंजर, कि जो सुना है अगर हम आप तक पहुंचा सकें जितना, वो हमारा अपने आप को धन्य समझेंगे। थोड़े श्लोक याद कर लिए, किसी ने श्लोक उच्चारण करना बोलना शुरू कर दिया तो वो अपना उस लेवल पे संत पहुंच जाएगा। श्लोक याद करना, उच्चारण करना, ये संत अपना नहीं होता। गुरु जी वो जो महाराज जी बोलते हैं कि हमारी पीढ़ी के बाद, हमारी पीढ़ी बने शिला सरस्वती ठाकुर जी के शिष्यों की जो पीढ़ी है, उसके बाद ऐसा बुलंद आचार्य मिलना
दुर्लभ है, मिल ही नहीं सकता है। दीपक लेने से ढूंढने से नहीं मिलेगा। कैसे? हमारे गुरु जी से नाम लेते हैं। वैसे बार बार से वो नाम नहीं लिया जाता तीर्थ महाराज जी, वो क्योंकि वो गुरु भर गए ना, उन्होंने ऐसा लिखा है, वो लिख सकते हैं कि हमारी पीढ़ी के बाद ऐसे सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम वैष्णव होना, ऐसा मिलना मुश्किल है। कहते हैं जो अगर आपको इनकी सेवा करने के लिए उधार भी लेकर के करनी पड़े तो अपना सौभाग्य समझ। गुरुवर बोल रहे हैं। और संत महाराज परम पूज्य पर संत महाराज जी क्या बोलते हैं, वो अपने सन्यासियों को हमारे गुरु जी के साथ 84 कोस परिक्रमा में भेजते थे कि जाके कुछ सीख के आओ। वो क्या बोलते हैं, शास्त्रों में जितनी भी क्वालिटीज वर्णन है वैष्णवों की सारी तीर्थ महाराज जी में विद्यमान। जो भी उनके शरणागत होगा निश्चित रूप से 100% लाभान्वित होगा, कोई संदेह नहीं। तो ऐसे जो उच्च कोटि के संत हैं, उन संतों को हमने दर्शन किए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त किया है, उनके श्री चरणों में बैठकर उनके मुखारविंद की जो अपराकृत वाणी है उसको सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो ऐसे जो संत हैं 24 से 24 घंटे, मैं देखता था महाराज कि गुरु जी महाराज जी अगर आपने किसी कमरे में रख दिया है, उनका अपना कोई इच्छा ही नहीं है। मेरे को कोई बता दो, कोई एक व्यक्ति बता दो कि गुरु जी ने कभी कोई डिमांड किसी के सामने रखी हो, इम्पॉसिबल। कभी किसी शिष्य को ऑर्डर तक नहीं दिया उन्होंने, ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा करने से अच्छा है। तो मेरा कहने का भावार्थ यह है, और गुरु जी को हमने देखा कोई भी कोई प्रश्न पूछ ले कि महाराज जी ऐसा करने से क्या होगा, हमने कभी गुरु जी को ऐसा करते नहीं देखा, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। इस बीच में गुरु जी के आगे उनके सारे शास्त्र का सार उनके गुरु जी, हमने गुरु जी को ऐसे करते कभी नहीं देखा। एक बार बहुत बड़े मिशन के आचार्य गुरु जी के पास आए, वो गुरु जी को बोलते हैं कि आप जो बंगला पंचांग फॉलो करते हैं वो एडवांस नहीं हुआ है, उन्होंने जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो थोड़ा सा आप इस पंचांग को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो उसको फॉलो करते हैं। वो 15 मिनट एक्सप्लेन करते रहे और गुरु जी ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, उनका मुंह बंद हो गया। गुरु जी बोला हमारे गुरु जी इसी को करते थे, उसको करेंगे, उनका सब बातों पे अपने गुरु जी का। इसलिए महाराज जी उनको गुरु निष्ठा विग्रह कहा जाता है, वैष्णव निष्ठा विग्रह कहा जाता है, भगवान की निष्ठा के विग्रह कहा जाता है। तो सताम प्रसंगात मम वीर्य संबितो, ऐसे जो संत हैं 24 के 24 घंटे जिनका जीवन भगवान के लिए है, ऐसे संतों के मुखारविंद से हरिकथा श्रवण करना, ये उपाय बताया हमारे कपिल भगवान जी। और गुरु महाराज जी का देखा महाराज, हमारे वो थे एक क्या नाम था फ्रांस के थे जो बिंदु माधव एक संतों की रीडिंग होती है, एक आम आदमी की रीडिंग होती है, वो फ्रांस के थे, उन्होंने हरिनाम लिया था स्वामी महाराज से, इसको उनके जो फंड रहा, और दीक्षा उन्होंने ली श्रीधर महाराज से, और पर पूज्य श्रीधर महाराज भी चले गए तो वो शिला भक्ति प्रमोद पूरी गोसाई महाराज की सेवा में आ गए। उस समय वहां बैठे हैं, वो कहते हैं महाराज, एक कहते मैं तो जानता नहीं था, एक आचार्य आए, वो विदेशों में प्रचार करते हैं, 15-20 शिष्य हैं उनके साथ, आए जैसे प्रणाम किया और बोला महाराज जी हम ऐसे ऐसे प्रचार कर रहे हैं, ये किताबें हमने छापी हैं, आए प्रणाम किया और चले गए, दूसरी बातें हुई।
कहते हैं महाराज जी के चेहरे में शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी जी के मुखारविंद पे कोई मैंने प्रसन्नता नहीं देखी, ज़्यादा कोई रिएक्शन अच्छा नहीं देखा। वो आए बता के कि हम क्या बड़े बड़े काम कर रहे हैं, चले गए। इतने में देखता हूँ केवल एक शिष्य के साथ एक महाराज जी आ रहे हैं। महाराज जी, गुरु जी का आप देखोगे जैसा वैष्णव सिद्धांत गंभीर है ना, ऐसा गुरु जी का सब कुछ ही गंभीर था। उनका चलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, आपने तो बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, क्योंकि महाराज जो व्यक्ति के हृदय में रहता है बॉडी लैंग्वेज से वही प्रकट होता है। हमने कभी नहीं देखा गुरुजी को कभी अट्टहास करते हुए हंसते हुए देखा, हंसेंगे लेकिन आवाज़ कभी नहीं आएगी। हमने गुरुजी को, मैं 30 साल गुरुजी के दर्शन किए, कभी नहीं देखा कि गुरुजी कभी स्टेज पे बैठ के आँख भी चमक जाए। आप उनको जितनी निद्रा बोल सकते हैं, दिन में 5-5 सभाएं की हैं, 6-6 सभाएं भी की हैं, कभी थकावट में उनको, यहाँ तक कि अब बातें आधा किसी आगे निकलती रहती हैं, हो गया ना टाइम, सॉरी इसके आगे थोड़ा सा हल्का से बोल दे दो लाइनों में। तो गुरुजी परिक्रमा में थे, टाइम बढ़ जाएगा, इसके आगे कल श्रवण कर लेंगे, है ना। तो टॉपिक यही शुरू किया, सताम प्रसंगात मम बिरज संबितो, संतों के पास जाके मेरी बिरजपति कथा सुनना। इसके आगे जो है जब कभी फिर मौका मिलेगा तो आपकी सेवा में प्रवेशन करेंगे गुरु जी की, आपके कर्ण रसायन के रूप में। बोल वृंदावन की जय। दो चार मिनट करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमको मालूम है देर होने से मन चंचल हो जाता है। मैं एक्चुअली ध्यान नहीं दिया पहले, तो थोड़ा गलती हो गया है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
और गिरधारी जो की जाए। श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। जय श्री श्री राधा विनोद जी की जय। जय पतित पावन परम करुणा एवं विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्रील भक्ति दयी तो माधव गोसाई महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। शिला रूपान गुरुवर्ग की जय। पंचतत्वात्म गौर हरि की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। द्वादश वनात्मक शिव मंडल की जय। जय शुद्ध भक्ति सर्विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंहदेव जी की जय। जय श्री प्रहलाद महाराज जी की जय। जय श्री क्षेत्रपाल शिव जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज समाधि मंदिर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति कुमोद संत गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज जी की जय। जय परम नित्य लीला प्रविष्ट ओम शिल भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूज्य पाद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। जय अन्य गुरुवर्गीय तेदड्डी पाद गण की जय। पूजनीय समस्त मठवासी बिंद की जय। जय श्री पाद भक्ति सुहृद परमदैती महाराज की जय। जय समागत वैष्णव भक्त बिंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर परमानंद हरे कृष्णा महाराज जय 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 हमारा वहाँ गुरु महाराज के समाधि मंदिर का भी चल रहे काम चल रहे और सुंदर फाउंडेशन बना रहे हैं। ज्ञानी तो महाराज लोग सात आठ दिन तो ऐसा तो मन में तो होता है किसी को इच्छा है घर पे प्रोग्राम कराने का तो कर सकता है। हम लोग ग्रुप में ले जाएंगे मैसेज का घर पे प्रोग्राम होगा अभी सब लोगों का यहाँ से प्रसाद की व्यवस्था है ना? प्रसाद की व्यवस्था है, सब लोग का प्रसाद की व्यवस्था है।